हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी अब्यू मैट्रिक्स का ये वीडियो बनाया जा रहा है। प्रश्नावली आज मैंने लिया है 3D का ये पहला वीडियो बनाया जा रहा है। इस पहले वीडियो में हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। वो सभी विद्यार्थी बहुत ही समझ लीजिए लकी हैं जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। इस चैनल पे आपको लाइव क्लासेस हर एक विषय आपको मिल जाता है। जैसे सुबह 6 बजे मैथ्स का लाइव क्लासेस चलता है, शाम को 7 बजे मंडे टू थर्सडे आपका फिजिक्स चलेगा और 8 बजे मंडे टू थर्सडे केमिस्ट्री चलेगा। उसके बाद उसी समय पर हिंदी और इंग्लिश चलता है फ्राइडे टू संडे तक। ठीक है, ये रही डिटेल्स। चलिए हम शुरू करेंगे। टोटल वीडियो हर स्वरूप शर्मा के बुक से बताया जा रहा है, तो जितने विद्यार्थी अभी लेट आएंगे उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लेट ना हो, क्योंकि ये लाइव क्लासेस आपके लिए ही बनाया जा रहा है। बहुत विद्यार्थी का कमेंट होता है कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो हर स्वरूप शर्मा से पढ़ाते हैं तो वो बुक कैसा है, क्या है, दिखा दीजिए। तो आज मैं आपको बुक दिखाने वाला हूं जिस बुक से हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बुक दिखा देते हैं। तो देखिए, यह है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम गणित। ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश यूपी के लिए। बाकी अलग स्टेट के अगर विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मैट्रिक्स, आज का वीडियो बनाया जाएगा मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स अगर आपके चैप्टर में मौजूद, आपके बुक में मौजूद है तो आप वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैट्रिक्स वही सेम मेथड होता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं राइटर कौन कौन से हैं। राइटर यहाँ पे हरस्वरूप है, भगत स्वरूप, मिश्री लाल और शालिनी शर्मा। इस बुक से मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ कक्षा 12 के लिए, और ये भाग 1 है। भाग 2 अभी हम शुरू करेंगे 3 प्रश्नावली खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे शुरू करते हैं कि कहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है 3D। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्नावली 3D मैंने ले लिया है। निम्नलिखित अव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 9, 10, 15 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन ये सारे 2x2 के क्रम का मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी को बताना शुरू करते हैं कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि किस तरह से करते हैं। तो मैंने आपको बुक दिखा दिया कि कौन सा बुक है, हरस्वरूप शर्मा का बुक है और ये यूपी के लिए बनाया जा रहा है। अदर विद्यार्थी देख सकते हैं क्योंकि उनके बुक में अव्यूह मौजूद है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, इस तरह से हम बताना शुरू करते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर वन। शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक रूपांतरण होता क्या है, क्योंकि हमें इस पूरे प्रश्नावली में यही निकालना है। ठीक है, तो प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है समझिए। प्रारंभिक रूपांतरण के लिए ए इनवर्स का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण के लिए हम ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्रारंभिक रूपांतरण। लेकिन इसके लिए एक नियम होता है कि किस नियम से हम करेंगे, वो होता है प्रारंभिक रूपांतरण का नियम। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ए बराबर आई ए। हमारा आई एक क्या है, तत्समक अव्यूह है। आई हमारा क्या है, तत्समक अव्यूह, और ए हमारा क्या है, ए हमारा वो अव्यूह है जो हमें प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ए अव्यूह होगा, उसी के रूप में बदलना होगा, उसके बाद ही हम अव्यूह प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हल करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3D का भाग 1 पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हल कीजिए 1-1, 2, 3। आप अपने बुक को देख लीजिए, आपके बुक में ये सारा का सारा क्वेश्चन दिया गया है। बस मैं यहाँ पे हल करते जा रहा हूं, आप पेन कॉपी लेकर बैठे क्योंकि आपको नोट करते जाना है और समझते चलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि प्रारंभिक रूपांतरण के लिए ए इनवर्स ज्ञात करना होगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना ये जो वैल्यू है वो ए बराबर है 1-1, 2, 3। ठीक है, मैंने इस वैल्यू को ए के बराबर मान लिया। अब मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि तभी करेंगे, उसके लिए एक समीकरण होता है जो कि है
ए बराबर आई ए, ये मैंने समीकरण बताया, ठीक है। इसी समीकरण के विधि से आपको हर एक प्रश्न निकालना पड़ेगा। ये 2x2 के क्रम का है तो भी आप इसी से करेंगे, अगर 3x3 के क्रम का होगा तो भी आप इसी समीकरण से प्रारंभिक रूपांतरण को हल करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रारंभिक रूपांतरण हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए समझ लीजिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। एक प्रश्न में हो सकता है नहीं समझ में आए, एक प्रश्न समझिए, दो प्रश्न समझिए, तीन प्रश्न में आपको 100% समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें करना क्या होता है। ए का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो ए का मान है 1 - 1 - 2 - 3, ये हो गया ए का मान, ठीक है। बराबर करेंगे, आई हमारा तत्समक अभी होता है, ये 2x2 के क्रम का है तो 2x2 के क्रम का तत्समक अभी हमें लेना पड़ेगा जो कि होता है 1001, ये होता है 2x2 के क्रम का तत्समक अभ्यू। अगर ये 3x3 के क्रम का होता तो हम आई का मान 3x3 के क्रम में लेते, ठीक है। अब ये जो आई है, ये जो ए है, इस ए को हम ऐसे छोड़ देंगे, यहां पर ए का वैल्यू हमें नहीं पुट करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि एक ए का मान पुट करना है, दूसरे ए को छोड़ देना है। यहां तक अगर आप कर लेते हैं तो अगला मेथड समझ लीजिए कि हमें करना क्या होता है। अब इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें आई बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ये मूरे मैं क्या करता हूं, पूरे प्रश्न का निचोड़ बता रहा हूं, होता है ना, हर एक स्टोरी का एक निचोड़ होता है, उसी तरह से पूरे इस प्रश्न का निचोड़ क्या है कि इसको आई बनाना है। आई बनाने का मतलब तत्समक अभ्यू, मतलब 1001 बनाना है, किसको, इस लेफ्ट हैंड साइड को। ये बनाने के लिए हमें जो भी क्रियाकलाप करना होगा, जो भी एल्गोरिदम लगाना होगा, हम लगाएंगे, लेकिन इसको इस रूप में बदलेंगे। अगर आप इसको इस रूप में बदल लेते हैं तो आपका प्रारंभिक रूपांतरण विधि चेंज हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, क्या करना है, इसको इस रूप में बदलना है। अब आप पूछेंगे सर कैसे बदलेंगे, तो यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से बदलना है। चलिए, एक क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाने वाला हूं। जितने विद्यार्थी अभी लेट आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग लेट ना हो, क्योंकि बीच में आएंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। देखिए, ये हमारा क्या है, 1 - 1 - 2 - 3, ठीक है, बराबर क्या है 1001, और यहां पे क्या है, ए है, ठीक है। अब यहां से आपको एकदम ध्यान से समझना है, हमें क्या बनाना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को ये चीजें बनाना है, क्या 1001 बनाना है, ठीक है। तो देखिए, 1 है, ये भी 1 है, एक चीजें हमारे यहां पे मिल गया। अब यहां पे दोनों 0 होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 बना लेते हैं, इसको 0 बनाइए, या तो इसको 0 बनाइए या तो इसको 1 बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको यही चीजें बनाना है। इसके लिए मैं एल्गोरिदम यूज करूंगा, क्या, हम पहले इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए देखिए, ये हमारा पहला क्या है, ये R1 है, और दूसरा क्या है, ये है R2, ठीक है, ये R1 है, ये R2, दो चीजें दिख रहा है, ये दोनों रो है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल्गोरिदम बनाएंगे कि R2 में हमें लिखना है, R2 में लिखना है, R2 तीर अगर दे दिया जाए, यहीं पे एल्गोरिदम समझ लीजिए, एक बार समझाएंगे 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एल्गोरिदम अच्छे अच्छे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इसलिए ये एल्गोरिदम आपको समझना है। तो लिखेंगे R2 - 2R1। अब मैंने ये एल्गोरिदम क्यों लगाया, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, R2 में हमें लिखना है, इस वाले में लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसमें लिखना है कि R2 जो ये वैल्यू है उसमें 2R1 का हम R1 में 2 का गुणा करेंगे और 2 का, क्योंकि ये इससे घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। हम इस कार्यक्रम को यहां पर हम रफ कार्य की तरह दिखा लेते हैं, ठीक है। देखिए, R2 हमारा क्या है, 2 है, तो हम R2 के स्थान पर क्या है, 2 है, तो हम ए ले लेते हैं 2, फिर माइनस है, माइनस, फिर 2 है, 2, अब R1 क्या है हमारा, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 2 × 1, तो 2 में से 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। लिखना किसमें, R2 में लिखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पे -1, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि हमें R1 में कोई बदलाव नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब इसको भी देख लेते हैं इसी तरह से, देखिए ये है 3, क्या है, R2 का मान 3 है, तो ये हो गया 3, फिर माइनस करेंगे, माइनस, 2R1 होना चाहिए, तो 2 × R1 क्या है, R1 इसके ऊपर वाला है, -1 है, तो क्या हो जाएगा, 3 - -+2, 3 × 2 = 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें केवल R2 में ही लिखना है, तो हम केवल R2 में ही ये दोनों लिखें, ऊपर को छोड़ दिए, इस तरह से ये हो गया बराबर। इसमें भी हमें वही ये प्रक्रिया ये वाला अपनाना पड़ेगा।
तो चलिए इसमें अपना लेते हैं। तो ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मैंने R2 में परिवर्तन करने के लिए बोला। अब यहाँ पे ये एल्गोरिदम लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि एक चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये कैसे हुआ? इस एल्गोरिदम से, ठीक है। आपको इसमें 0 रखना है, यहाँ पे 2R1 यहाँ पे 2 कर दीजिए, इससे क्या करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये 1, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। और यहाँ पे A साथ में जुड़ा हुआ है, A लगा देंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। देखिए 1 मिल गया, 0 मिल गया, क्या मिल गया, 1 0 मिल गया, 1 0 मिल गया। अब तीसरा क्या करेंगे, अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाइए, इसको 0 यही बनाना है हमें, क्योंकि हमें आद्यू का बनाना है, तत्सम का भी बनाना है। तो अगला क्या हम एल्गोरिदम लगाएंगे, अगला एल्गोरिदम हम इस 5 को हटाएंगे, 5 को हटा के 1 बनाना है, तो मतलब यहाँ पे 5 से भाग देना पड़ेगा। तो हम वही एल्गोरिदम लगाएंगे कि R2 में, R2 ही है, R2 में हमें 1/5 मतलब 5 से भाग देंगे यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा और वही प्रक्रिया पूरे में करना पड़ेगा। तो 1/5 R2 ये एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1-1 और यहाँ पे 0 में 1/5 का भाग देंगे तो वो हो जाएगा 0, और इसमें भाग देंगे 1/5 का तो वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इस तरह से हमें मिल गया, ठीक। ये हो गया ब्रैकेट में, फिर करेंगे बराबर, वही एल्गोरिदम इसमें भी लगाना पड़ेगा, तो ऊपर हम छोड़ देते हैं 1 0, ठीक है। अब नीचे देखिए, -2 में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -2/5, और 1 में 1/5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो गया। और यहाँ पे A जुड़ा हुआ है, A लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हमें 1 1 0 मिल गया, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एल्गोरिदम लगाएंगे, हमें ऊपर ये R1 है, R1 में बदलाव करना है, तो अब हम R1 का एल्गोरिदम लगाएंगे कि R1 में हमें लिखना है क्या, R1 प्लस R2 को अगर हम जोड़ देते हैं, क्या इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे R1 ये हो गया 1 1 प्लस 1, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1, ये 0, ये 0, 1, इस तरह से यहाँ पे हमें इसको मिल गया। और इसमें भी बदलाव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया, बीच में बराबर है A, अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पे 1 है, R1 प्लस R2 इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, ये है 1 तो ये हो गया 1, फिर प्लस R2 है, R2 हमारा ये, इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो बीच में माइनस है, -2/5, ये हो गया 2/5, 5 1 5 -2/5 घटा दीजिए 3/5, तो ये जो 3/5 है ऊपर मैंने लिख दिया, इसी तरह से इसमें करेंगे ये आ गया, और नीचे को छोड़ देना है क्योंकि नीचे मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो इस तरह से ये चीजें हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना ही आपको करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड में हमें आई की तरह बना लेना है तत्समक आव्यूह, फिर ये जो ए दिख रहा है इस ए को हम भेजेंगे इस साइड, तो वही हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, ए इनवर्स में, ठीक है। ये हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, ये वैल्यू जो आया है वही हमारा हो जाएगा आंसर, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ये है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हल। कितने विद्यार्थियों को समझ में आया है वो कमेंट करके अभी बताएं। जितने लोगों को समझ में नहीं आया है अपने दिल से पूछे, जितने लोगों को समझ में नहीं आया वो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि पहले में नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। इतने बेसिक लेवल से और कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं अब सेकंड क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखा है 2111 लिखा है। हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि माना ये कोई a बराबर वैल्यू है 2111, ठीक है, ये मान लिया। अब समीकरण हमने बताया था कि आपको समीकरण एक लगाना है क्या, a बराबर IA, ठीक है, इस समीकरण से हम लगाएंगे, ठीक है। a का वैल्यू पुट करेंगे 2111, ये हो गया, फिर बराबर करेंगे, i 2/2 के क्रम का है तो 2/2 के क्रम का हमें i का वैल्यू लेना पड़ेगा, ये हो गया i तत्समक आव्यूह का, a को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को आई बनाना है, इसको 1 0 1 0 0 1 बनाना है, उसको बनाने के लिए हम एल्गोरिदम का यूज करेंगे, और यही एल्गोरिदम आप अपने दिमाग से लगाएंगे, इतना ही कर लेंगे तो आप सब क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो करना क्या है, ये है R1, बता देते हैं, ये R1 है और ये क्या है, ये R2 है,
ये R1 है, ये R2, दो तो रो आपको दिख रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, R1 को R2 में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है हम आपको बता देते हैं फिर से। यहां पे हमें 1 लाना है, क्योंकि हम एक टारगेट यहां पे लेकर चलते हैं बॉक्स में कि हमें 1001 बनाना है, ये मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे 1 बनाना है, तो मतलब इसको हम यहां पे रख सकते हैं, इसको यहां पे रख सकते हैं। रखने के लिए एल्गोरिदम लगाएंगे कि R1 के स्थान पर हमें R2 लिखना है, ये हो गया एक एल्गोरिदम कि R1 के स्थान पे R2 लिखिए, ठीक है। तो ये R2 है, R2 को ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो वो तो वही रहेगा, क्योंकि दोनों में 1 है, ये एल्गोरिदम हो गया। लेकिन वही एल्गोरिदम इस साइड भी लगाना पड़ेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। एल्गोरिदम यहां पे लगा लेंगे, लेकिन यहां पे भी लगाना पड़ेगा वही वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करिए 0, यहां पे नीचे 1, और इसको ऊपर ये 1, ये हो गया 0। इधर भी परिवर्तन कर लिया, ये हो गया A, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 1 मिल गया, यहां पे 1 मिल गया, इन दोनों को 0 बनाना है। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि 1100 बनाना है, यही टारगेट है। तो क्या करेंगे, 1 मिल गया, इसको 0, इसको 0 बनाना है। तो पहले किसी एक को 0 बनाते हैं, या तो इसको 0 बना लीजिए या तो इसको। तो मैं इसको पहले 0 बनाऊंगा, नीचे वाले को, क्योंकि ये सरल पड़ता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हमें नीचे 0 बनाना है, ध्यान दीजिएगा बातों को, हमें क्या कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, हमें नीचे 0 बनाना है। नीचे मतलब R2 में, R2 को 0 बनाना है। तो हम यहां पे एल्गोरिदम में क्या लिखेंगे, R2 में लिखना है। R2 बना के तीर देते हैं, तो इसका मतलब है कि R2 में हमें लिखना है। क्या लिखना है आप समझिए, कि R2 मतलब R2 जो वैल्यू 2 है, उसमें से अगर हम इसको 2 का गुणा करके घटा दें, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2R1। इस तरह से ये बन गया एक एल्गोरिदम। अब समझिए कैसे करना है, देखिए इस एल्गोरिदम को मैं यहां पे समझा देता हूं कि R2 का वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो गया 2, फिर माइनस ये हो गया 2 इंटू R1 क्या है, R1 हमारा 1 है, तो ये हो गया 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2, 2 में से 2 कट जाएगा, 0, मतलब R2 में क्या लिखना है, 0 लिखना है। ऊपर को छोड़ देते हैं 1 1, नीचे हो गया 0, और इसको भी एल्गोरिदम लगाना है, क्योंकि R2 में लिखना है हमें दोनों में, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा R2 के स्थान पे क्या है, 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू R1 के स्थान पे 1, तो यहां पे घटाएंगे तो 1 में से माइनस 2 घटा देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चेंज हो गया। अब वही एल्गोरिदम, ये वाला एल्गोरिदम इधर भी लगाना है, तो इधर भी हम लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर कोई चेंजेस नहीं करना है। ये हमारा है R2 के स्थान पे माइनस 2R1 करेंगे, मतलब इसमें 2 का गुणा करेंगे और घटाएंगे तो ये तो 0 ऑलरेडी है, और इसको क्या करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1, और यहां पे मिल जाएगा माइनस 2, और ये हो जाएगा A। समझ में आ रही बात है सबको, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे बेसिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये मेरा रफ कार्य है, इसको काट देता हूं। अब देखिए क्या मिल गया, 1 0, ये दो चीजें मिल गया। अब इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये R1 में 0 बनाना है। किसको बनाना है, R1 में 0 बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल्गोरिदम कि R1 में हमें कार्यक्रम क्या करना है, हमें करना है कि माइनस R2 से क्या करना है, माइनस R2 कर देना है। R1 में क्या करना है, माइनस R2 करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, तो R1 में क्या दिख रहा है हमें, 1, तो ये हो गया 1, और यहां पे दिख रहा है 1, ये हो गया 1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। बातें समझ में आई, मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। ये जो माइनस था, इस माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, बाकी चीजें को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। इज इक्वल टू, वही एल्गोरिदम इसमें लगाना है, तो इसमें लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 2। मैं एल्गोरिदम कैसे लगाना है इसको मैंने यहां पे रफ कार्य में आपको समझा चुका हूं, आप समझ सकते हैं। ये हो गया A, ठीक है, यहां तक तो क्लियर। देखिए 1 1 मिल गया, 0 मिल गया, इसको 0 बनाना है, बस इसको 0 बना लीजिए, आपका पूरा कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, अब एल्गोरिदम लगाएंगे नेक्स्ट कि R1 में हमें करना है, R1 में से R2 को घटा देना है, इसको इससे घटा देंगे और R1 में लिखना है, तो वो हो जाएगा 0,
ठीक है। तो देखिए 1001 इधर हो जाएगा और यही एल्गोरिदम इधर भी लगाना है, तो एल्गोरिदम इधर भी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1 - 1 - 2। एल्गोरिदम लगाना मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद ए बचा है, ए लिख लेंगे। तो फाइनली मेरा ये तत्समक अभ्यूह की तरह हो गया। अब ए को इधर भेजिए, इसको हटा लीजिए, तो ए को भेजेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, और बचे वैल्यू को लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं अब कुछ विद्यार्थी को समझ आ चुका होगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि 1327, हम क्या करेंगे, ए बराबर मानेंगे कि 1327 हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो जितने विद्यार्थी को अभी तक फिर से समझ में नहीं आया वो तीसरे क्वेश्चन को समझे, हो सकता है इसमें समझ में आ जाए। जितने विद्यार्थियों को समझ में आ चुका है उन सभी का धन्यवाद जो समझ चुके हैं, अपने लिए कहीं ना कहीं रास्ता बना लिया कि हम अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है। ए बराबर मान लिया, अब हमारा क्या होगा, ए बराबर आई ए समीकरण है किसका, प्रारंभिक रूपांतरण का। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे 1327, ठीक है, बराबर आई हमारा तत्समक अभ्यूह जो कि 2/2 के क्रम का है, और यहाँ पे ए, ठीक है। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है कि इसको बनाना है तत्समक अभ्यूह 1001 बनाना है। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम लगाएंगे, और ये एल्गोरिदम आपके अनुसार होना चाहिए कि हम क्या कर दें कि ये 1001100 हो जाए, ये आपको दिमाग से लगाना है। ये मत पूछेगा कि सर ये कैसे होता है, यही हमें नहीं आता। तो यही तो मैथ का खेल है, यही मैथ होता है कि आपको दिमाग से लगाना कि क्या कर दें कि ये हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाते चल रहा हूं कि क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे जीरो। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें दो का गुणा करके अगर घटा दें, क्या करेंगे, इसमें दो का गुणा कर देंगे तो ये दो हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा जीरो, और लिखना इसी में होगा। तो लिखेंगे R2 में, हमें लिखना है R2 में लिखना है क्योंकि इसको जीरो बनाना है। R2 में लिखना है क्या चीजें, लिखना है कि R1, देखिए R2 में क्या लिखना है कि R2 - 2R1, ये एल्गोरिदम लगाएंगे, ठीक है, कि R2 में लिखना है R1 जो है उसमें R2 है, ये R2 की वैल्यू -2R1 कर देंगे। अब ये चीजें मैं यहाँ पे रफ कार्य कर लेता हूँ, रफ कार्य करके आपको प्रूफ कर देता हूँ कि ये एल्गोरिदम मैं कैसे लगाऊंगा दोनों में। देखिए यहीं पे समझ लीजिएगा, जितने विद्यार्थी को समझ में नहीं आए यहीं पे समझ लीजिएगा, पूरी बातें समझ में आ जाएगी। R2 हमारा 2 है, ये हो गया R2 2, फिर माइनस है माइनस, फिर 2 है 2 * R1 हमारा क्या है, R1 ये लिख लेते हैं, ये R1 है ये R2 है, तो R1 हमारा क्या है 1 है, तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2 - 2 = 2, घटा देंगे 0, किस में लिखना है R2 में लिखना है, तो R2 में लिखेंगे 0, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3, इन दोनों को चेंज नहीं करना है क्योंकि मैंने एल्गोरिदम जो लगाया वो R2 का लगाया है, मतलब R2 में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, पूरे में, इस पूरे में नहीं चेंज करना है, ठीक है। और नीचे इसमें मैंने एल्गोरिदम लगाया तो क्या आया, जीरो आया। क्या करेंगे, R2 की वैल्यू लेंगे जो कि 7 है, 7 - 2 * R1 की वैल्यू लेंगे, उसके ऊपर वाला 3 है, ठीक है, 7 - 3 * 6, घटा देंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये हो गया बराबर। अब इसमें देखिए ऊपर को छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर कोई एल्गोरिदम नहीं लगेगा। अब नीचे लगाना है तो नीचे पहले R2 करेंगे, R2 का वैल्यू 0, तो ये हो गया 0, फिर माइनस 2 * R1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2 - 2 = -2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, ये हो गया -2। अब इसमें लगाएंगे एल्गोरिदम तो ये है 1, मतलब R2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये पे हो जाएगा 1, माइनस 2 * R1, R1 हमारा क्या है, R1 हमारा ऊपर दिख रहा है 0 है, तो ये हो गया 0, गुणा कर देंगे 0 तो बच जाएगा केवल 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। समझ में आ रही बातें, ए मैं एल्गोरिदम आपको लगाना सिखा रहा हूँ कि कैसे ये एल्गोरिदम लगाते हैं, लग गया, ठीक है, इस तरह से मिल गया 1 1 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, बस इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि इसको 3 से गुणा करके इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए वही चीजें करेंगे, तो उसके लिए एल्गोरिदम मैं लगाऊंगा, ये है रफ कार्य, इस रफ कार्य को मैं कैंसिल करूंगा, मैं यहीं पे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ सके।
अगला एल्गोरिदम क्या लगाएंगे? अगला एल्गोरिदम हम लगाएंगे कि R1 में लिखना है R1 माइनस 3R2, ये एल्गोरिदम यूज करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे देखिए 3 है, तो R1 का वैल्यू क्या है? R1 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 3R2, यहाँ पे 3 का गुणा करके 3 3 गुणा करेंगे और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 0 वाला डी थे, ये भी 1, क्योंकि R1 में हमें केवल लिखना है। ये हो गया बराबर। इधर भी आते हैं, इधर हो गया क्या हो जाएगा 1, इस तरह से इधर कर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये देखिए R1 का वैल्यू 1 माइनस 3 का गुणा माइनस 2 में करिए, 3 दूनी के 6 माइनस 6 और ये मिलके कितना हो जाएगा? टोटल 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे माइनस 3, एल्गोरिदम मैं लगा रहा हूँ इस सेकंड के लिए, और यहाँ पे माइनस 2 और ये 1, एल्गोरिदम लग गया और ये A। इस तरह से ये जो मिल गया ये हमारा तत्समक अभ्यूह मिल गया। अब A को हम भेजेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा A इनवर्स बराबर ये वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हल आंसर। समझ में आ रही बातें? जितने विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस 3 ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। रीजन ये कि मुझे बस बेसिक समझाना था, तो ये बेसिक जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो सब कमेंट करें। कल से, कल तो क्या है, कल तो संडे है, संडे को मैं लाइव रहूंगा, लाइव में बात करेंगे। संडे को मैथ का वीडियो ऑफ रहेगा, बाकी सब हिंदी का इंग्लिश का चलेगा। इंग्लिश हिंदी आप समय देख लीजिए, 7 बजे 8 बजे ये चलेगा, मैथ का नहीं चलेगा। मैथ को अब मंडे से पढ़ाएंगे, मंडे 6 बजे चलेगा, 6 बजे हम शुरू करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 से, और 4 से हम थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाना शुरू करेंगे क्योंकि अभी तक मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया। जितने विद्यार्थी नहीं देख पाए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बाद में देख ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं मंडे में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।